गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेसन जो है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलेट में आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एलिफैटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। ठीक है, इससे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन का इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम इनके बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहलों के रिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा किस प्रकार आपके एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का उस कंपाउंड के अंदर से बाहर करना। ठीक है, जैसे कि हमें एक सामान्य एल्कोहल ले लेते हैं, देख सकते हैं आपका CH3CHOH। ठीक है, ये आपका सामान्य आपका क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, ये एक तरह से एथेनॉल है। ठीक है, तो जब एथेनॉल का हम क्या करते हैं, रिहाइड्रोजनीकरण करते हैं। ठीक है, तो रिहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में करते हैं, हम कॉपर पर, और इस पर क्या करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस का क्या करते हैं, हम टेम्परेचर प्रदान करते हैं। जब 300 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या करते हैं, आपका कॉपर के साथ जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, CH3CHO, यानी आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, एथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड आपके पास प्राप्त हो जाता है, एसिड एल्डिहाइड आपके पास प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ से आपके रिमूव हो जाते हैं और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या था, प्राइमरी एल्कोहल था। जब सेकेंडरी एल्कोहल लिया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन प्राप्त हो जाता है। ये देखिए CHOH। ठीक है, और ये आपका C2H5 एक कंपाउंड लिया हमने। ठीक है, इसका नाम है 2-butanol। क्या नाम है इसका, बीट है ना, 2-ol। ठीक है, ब्यूटेन 2 और इसका नाम है। ठीक है, ब्यूटेन 2 और इसका नाम है। जब इसका वापस हम क्या करते हैं, इसका कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक हाइड्रोजन में है और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाते हैं और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, C2H5। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाता है, यानी यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कीटोन प्राप्त हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन 2-ol। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ol। तो इस प्रकार हम देखें तो एल्कोहलों के भी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो एक तो आपका भी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं तो आपके डबल बॉन्ड पर ओजोनीकरण के द्वारा। ठीक है, एल्किन से हम देखते हैं, एल्किन से है ना, एल्किन के द्वारा, तो एल्किन के द्वारा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो पहला आपका हुआ ओजोन के द्वारा, जब एल्किन पर, एल्किन यानी डबल बॉन्ड पर जब हम ओजोन की क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास कीटोन्स प्राप्त होते हैं और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम देखें, ये आपका कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड पर जब हम ओजोनाइजेशन करते हैं O3 है ना, ओजोन की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास देखिए, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ और दो ऑक्सीजन है ओजोन। ठीक है, ओजोन के साथ क्या हो जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ये इस प्रकार आपके ओजोन इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और फिर इसका जब जिंक के साथ, ठीक है, रिएक्शन होती है तो आपका क्या हो जाता है, जो वाटर जेलन को आपका क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, इस प्रकार आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, डबल बॉन्ड ओ।
ठीक है, सी डबल बॉन्ड को आपके पास प्राप्त हो जाता है, एक तो यहां से और एक आपका यहां से सी डबल बॉन्ड को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, अब तो ये होकर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देखें तो इसका एक एग्जांपल जैसे कि एथेन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपके पास एथेन है और जब इसके ऑलियोनोलाइज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के यहाँ और वो ऑक्सीजन आपके नीचे जुड़ जाते हैं, इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, ये आपका डबल एच है ना, और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाता है, ओजोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर इन बॉन्ड का ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये ब्रेक कैसे होगा, एक तो आपका इस प्रकार और एक इस प्रकार हो जाएगा और एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक है तो जिंक ऑक्सीजन को ले लेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस लिगेंड O, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए तो सी एच सी ओ, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्राप्त होगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी टोटल आपके पास दो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइजेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, आपके एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एल्कीनों के जल योजन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम किसके द्वारा, एल्काइड के द्वारा, एल्काइड के, ठीक है, तो एल्काइड का मतलब होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जब ट्रिपल बॉन्ड पर जैसे किया हमने दिया एक कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड पर जब हम H2O जिसके प्रेजेंस में Na2+ की प्रेजेंस में, यानी आपके पास इसमें तनु H2SO4 भी चाहिए, ठीक है, तनु H2SO4 के साथ हम जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का ब्रेक होता है, ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाता है, आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर आपके पास CH2 और CHOH प्राप्त हो जाता है, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड आपका कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, इसको हम बोलते हैं विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। अब वापस जब इसकी चलावेता होती है ना, चलावेता के द्वारा क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर CH3 पे आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका CHO बच जाता है, तो इस प्रकार आपका क्या आ जाएगा, CH3CHO, ऐसी एल्डिहाइड आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एल्काइड्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपके एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो हम वसीय अम्लों के द्वारा, ठीक है, वसीय अम्लों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्काइड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर कैल्शियम फार्मेट लेते हैं, कैल्शियम फार्मेट को जब हम लेते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम फार्मेट के द्वारा हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यह आपका कैल्शियम फार्मेट है, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, यहां से CA आपका क्या प्राप्त हो जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलता है, ये देखिए यहाँ से ये आपका कैल्शियम, ठीक है, यहाँ से और ये आपका यहाँ से प्राप्त होकर बाहर हो जाता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, HCHO है ना, फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास प्राप्त हो जाता है, इसको हम मेथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसके है, कैल्शियम फार्मेट, और अगर आप कैल्शियम एसिटेट लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, कैल्शियम
फॉर्मेट है, ठीक है। और अगर हम कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CH3COCA, ठीक है, CH3COCO, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास वापस क्या होता है, यहां से देखिए कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम कार्बोनेट आपका निकल जाता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट निकलने के बाद आपके पास क्या बच जाता है, तो CH3, ठीक है, COCH3, यानी कीटोन आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार आपके पास ये एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपके वसी अम्लों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो अगला जो आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकल्पक के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप जानते हैं RMDX होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। इस कार्बोनिक कंपाउंड पर जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शंस करवाते हैं CH3Mg, ठीक है, और आयोडाइड ले सकते हैं, MgBr ले सकते हैं। जब इस पर क्या किया जाता है, इन दोनों की रिएक्शंस कराई जाती है पानी के साथ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपका CH3CO MgBr बना लेते हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, यहां से H और OH ये ब्रेक हो जाते हैं, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, CH3CHO, ठीक है, और आपका MgBrOH, ठीक है। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी हम देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब हम देखें तो हमारे पास जो होता है, जैसे कि हम साइनाइड से बात करें तो हमारे पास एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे कि मेथिल साइनाइड, ठीक है। जैसे मेथिल साइनाइड पर हम जब रिएक्शन करते हैं CH3MgBr, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो ये आपका CH3C और ये आपका क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है, ये ट्रिपल बॉन्ड रहता है इसके बीच में ये ब्रेक हो जाता है और आपके पास प्राप्त हो जाता है CH3 और ये यहाँ पर एक MgBr आपका यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है, MgBr यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें से आपका MgBr नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और CH3 रेडिकल आपके कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपका जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है यानी H2O के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ जाता है डबल बॉन्ड पर और यह नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन आपके जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार आपका क्या प्राप्त हो जाता है, CH3 और डबल बॉन्ड को और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, NH2MgBr। ये इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, यानी कीटोन आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात करें तो स्टीपन अभिक्रिया या रोजेनकुंड अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, रोजेनकुंड अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, परीक्षा में आती है, ठीक है। तो इस रोजेनकुंड अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी एसिटिल क्लोराइड का अपचयन किया जाता है
पेरिडियम, पेरिडियम सल्फेट और जायरिन की उपस्थिति में तो हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है, जिसे कि हम देखें ये आपके पास कोई R C डबल बॉन्ड O और ये आपका Cl है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अम्ल क्लोराइड होता है, ठीक है। और जब इसका हाइड्रोजन के साथ इसका जब एक्सचेंज किया जाता है बेरिलियम, बेरिलियम सल्फेट, सॉरी बेरिलियम पैलेडियम और बेरिलियम सल्फेट के साथ जब इसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, जब गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर आपके पास सॉरी यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आर सी ओ, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एच के साथ जुड़ेगा और इस आपका मिथाइल के साथ जुड़ेगा और आपका क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। और ये आपका देखो सी एच ओ एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये हम लेंगे, आर की जगह सी एच थ्री रखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और HCl ये एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड की एसिटिल क्लोराइड है, इसका जो अपचयन किया जाता है पैलेडियम और बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O H और HCl, ठीक है, यानी आपके पास एसिटाल्डिहाइड आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें तो रोजेंड अभिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। स्टीफन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में हम नाइट्रेट कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, कौन सा, एल्किल साइनाइड लेते हैं और इस पर जब हम SnCl2 है ना, यानी कि SnCl2 और HCl द्वारा जब इसका हम अपचयन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आयनिन प्राप्त होता है और जब आयनिन का जल अपचयन किया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये देखिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड ए है ना, ये इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड, ठीक है। इस मेथिल साइनाइड पर जब हम क्या करते हैं, आपके ट्वाइस एच प्लस SnCl2, ठीक है, ये क्योंकि ये आपका क्या है, स्टीफन अभिकर्मक है आपके, तो इसके इसके साथ जब हम क्रिया करवाते हैं, ठीक है, इसको आप एरो पर ले ले प्लस SnCl, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं एल्किल साइनाइड के साथ, जब इसके अपचयन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, CH3CH2NH, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपका क्या आता है, जुड़ जाता है, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, आपका आयनिन बनाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है आपका, एल्डिमीन हाइड्रो एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, जब इसका जल अपचयन कर दिया जाता है, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, इसका जब जल अपचयन कर देते हैं हम, तो जल अपचयन करने पर क्या होता है आपका, O तो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, और H2 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और ये आपस में ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, CH3CHO और यहाँ पर आपके पास NH3 और HCl आपका प्राप्त हो जाता है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NH4Cl के रूप में, है ना, अमोनियम क्लोराइड। तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ऐसी एल्डिहाइड आपके पास प्राप्त हो जाता है। ये स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा हमें होता है, इसके द्वारा हम कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद
इसके बाद देखें हम तो गाटरमान कोष के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, गाटरमान कोष अभिक्रिया अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, हम लेते हैं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की जब रिएक्शन करवाते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आपका एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। ये देखिए प्लस CO प्लस आपका क्या आ जाएगा HCl, और इसका क्या करना है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन करवाई जाती है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है CHO बेंजाल्डिहाइड और आपके पास वापस HCl आपके पास वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपका क्या प्राप्त हो जाता है बेंजाल्डिहाइड आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, गाटरमान कोष अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड और HCl के साथ निर्जल AlCl के साथ की जाती है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, आपको गाटरमान कोष अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगली जो है फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया है ना, फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, जब हम CH3CO यानी एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम बेंजीन के साथ करते हैं, ठीक है, और हम इसके साथ क्या लेते हैं निर्जल AlCl3 लेते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यहां से एक आपका हाइड्रोजन HCl के साथ क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और आपका एसिटिल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाता है, बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास क्या प्राप्त होता है COCH3 और आपके पास क्या प्राप्त होगा एसिड HCl प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो ये आपके पास एसिटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये है एक तरह से फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप इसको अगर बेंजोफिनोन बनाना है तो बेंजीन क्लोराइड की भी आप इसमें कर सकते हैं रिएक्शन। ये देखिए C6H5 है ना COCl और आपका निर्जल AlCl3, यहां से आपका यहां से जो एक एच है ये HCl बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या जुड़ जाएगा यहां से आपका, ठीक है, यहां पर CO C6H5, तो ये आपका बेंजोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजोफिनोन। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कंपाउंडों से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं।